अटल आवासीय विद्यालयों के नवनियुक्त शिक्षकों के एक रिफ्रेशर कोर्स जो उनकी ट्रेनिंग स्पेशल ट्रेनिंग का कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रम और सेवायोजन विभाग के राज्य मंत्री श्री मनोहर लाल कोरी मुन्नू जी, अध्यक्ष राज्य परामर्शदात्री समिति रघुराज प्रताप सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, माननीय विधायक श्री अम्बरेश कुमार जी, प्रमुख सचिव श्रम और सेवायोजन श्री अनिल कुमार जी, अटल आवासीय विद्यालय की महानिदेशक सुश्री निशा अनंत जी, श्रम विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी नौ चयनित प्रधानाचार्य, शिक्षक और प्यारे बच्चों, यह एक शुभारंभ है। सदैव अटल जी के प्रति एक विनम्र श्रद्धांजलि है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सपने को साकार करने की एक अभिनव पहल भी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक बात कही थी कि समृद्धि का मापक ऊपर की सीढ़ी पर चढ़े हुए व्यक्ति से नहीं बल्कि सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति की खुशहाली से की जानी चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार ने अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय लिया। पहले चरण में 18 कमिश्नरी हैं। इन 18 कमिश्नरी में एक एक विद्यालय की स्थापना का कार्यक्रम भौतिक दृष्टि से पूरे हो चुके हैं। उनका पहला सत्र प्रारंभ होगा और प्रारंभ होने के बाद फिर इसका विधिवत उद्घाटन का कार्यक्रम भी होगा। उद्घाटन के पूर्व जिस टीम को प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व के अनुरूप और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को साकार करने के इस अभिनव कार्यक्रम का हिस्सा बनना है, उससे संवाद का एक कार्यक्रम रखा गया है। संवाद इस बात को लेकर के जो शिक्षक वहां कार्य करेंगे उनका विजन भी क्या होना चाहिए। आपने चयन की प्रक्रिया देखी होगी, इसके पीछे की मंशा क्या है? जो बीओसी बोर्ड में रजिस्टर्ड श्रमिक हैं उनके बच्चों को हम लोग इन अटल आवासीय विद्यालयों में प्रवेश देंगे। कोरोना कालखंड में जिन बच्चों ने अपने अभिभावक को खोया है उन बच्चों के अभिभावक के भाव में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना प्रारंभ की और उन बच्चों को भी हम प्राथमिकता इसमें प्रवेश के लिए देंगे। और ये पहला सत्र प्रारंभ होगा, इस दृष्टि से शिक्षकों को अपनी तैयारी, इस सभी विद्यालयों के भव्य उद्घाटन की अलग से तैयारी होगी, लेकिन पहले चरण में
वहां पर प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हो जाए इस दृष्टि से आवश्यक है। और आपने देखा होगा कि जो अटल जी कहा करते थे कि आदमी न बड़ा होता है न छोटा होता है, आदमी सिर्फ आदमी होता है, और उनकी इन भावनाओं के अनुरूप प्रवेश की प्रक्रिया में सब कुछ देखने को मिला है। ये सब कुछ देखने को मिला है। श्रमिक श्रमिक है, वो राष्ट्र का निर्माता है, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने पसीने से राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देता है। लेकिन उसकी जिंदगी खानाबदोश जैसी होती है, भटकता है, आज यहां है कल दूसरी जगह चला गया, बच्चे भी साथ में घूम रहे हैं, न रहने का ठिकाना है, न बच्चों के पढ़ाने का कोई व्यवस्था है। और इसीलिए पहल की गई है, ये CBSE के पैटर्न पर चलने वाले विद्यालय होंगे जिसमें लॉजिंग फूडिंग सारी व्यवस्था होगी, 6 से लेकर 12वीं तक की संपूर्ण शिक्षा का दायित्व सरकार और BOC बोर्ड उठाएगा। और ये सत्र प्रारंभ होगा, यह जो टीम संबंधित अटल आवासीय विद्यालय के प्रधानाचार्य के नेतृत्व में वहां काम करेगी, ये उनके सामर्थ्य को मापने का भी एक माध्यम होगा। याद रखना, शुरुआत जैसे होगी परिणाम भी उसके अंत में उसी प्रकार के सामने आते हुए दिखाई देंगे। इसलिए जोरदार शुरुआत, संस्कारवान शुरुआत, एक राष्ट्र को समर्पित नागरिक निर्माण की एक शुरुआत, यहां से निकला हुआ छात्र जब 6 वर्ष के बाद बाहर निकलेगा तो समय अपने आप को एक स्वावलंबी नागरिक के रूप में, समर्थ नागरिक के रूप में अपनी पहचान बना सके। इसके लिए संबंधित अटल आवासीय विद्यालय के टीम का दायित्व बनता है, जो प्रधानाचार्य के नेतृत्व में टीम होगी, उस टीम का दायित्व बनेगा कि वह इस कार्यक्रम को इसी ऊर्जावान तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य करे। इस कार्यक्रम में हमें बहुत सारी नई चीजें देनी पड़ेंगी। मैं बार बार कहता हूं, लकीर का फकीर बनने की प्रवृत्ति से हमें उभरना पड़ेगा, कुछ नयापन, नए तरीके से जो हमें स्वावलंबन से समृद्धि की ओर अग्रसर कर सके। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुकी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बहुत सारे आयाम शिक्षा के क्षेत्र में खोलने के लिए द्वार खोले हैं, शिक्षा भी, स्किल डेवलपमेंट भी, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज भी। लेकिन क्या उस कैंपस में हम एक ऐसा माहौल दे सकते हैं कि शिक्षक से लेकर के विद्यार्थी तक गुरुकुल की आदर्श व्यवस्था के अनुरूप उस पूरे कैंपस का दायित्व अपने हाथों में लेकर के उसके पूरे कार्यक्रम के संचालन को भी अपने स्वतः स्फूर्त भाव के साथ करते हुए दिखाई दें, यह अटल आवासीय विद्यालय की पहचान बननी चाहिए। हमारी समस्या क्या, समस्या यह हो जाती है हर व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर निर्भर होना चाहता है। मैं देखता हूं बहुत सारी जगह सरकार संस्थान खड़ा करती है, छात्रावास की सुविधा देती है, सब कुछ देती है, लेकिन पानी की टोंटी से पानी निकल रहा है, गिर रहा है, जो लोग उसका उपभोग करते हैं वो इतना अपने दायित्व नहीं समझ पाते कि पानी का उपयोग तो हम कर रहे हैं, इस टोंटी को थोड़ा बंद कर लें। सरकार सुविधा दे रही है इसलिए मान लिया जाता है कि यह सुविधा फ्री की हो गई, लावारिस हो गई, उसको अनाथ बना दिया जाता है, जबकि उस सुविधा का उपभोग करने वालों का दायित्व तो बनता है कि हम इसका दुरुपयोग न होने दें, इसका सदुपयोग करें। अगर पानी गिर रहा है तो उसको बंद कर लें, टोंटी खराब हो गई है तो इतनी सामर्थ्य विकसित करें कि प्लंबर जब तक आता है तब तक हम प्लंबरिंग का काम भी सीख करके उस कार्य को स्वयं उसको ठीक करवा लें।
यह है आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास। हम लोग देखते हैं भवन पे अच्छा खासा भवन बना है, आप देखिए अटल आवासीय विद्यालयों के भवन हाई क्लास भवन बने हैं, 12 से 15 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है, महाविद्यालय भी है, स्किल डेवलपमेंट के सेंटर भी हैं, स्पोर्ट्स की भी एक्टिविटीज हैं, मैदान भी हैं, छात्रावास भी हैं, बालक के लिए अलग, बालिकाओं के अलग, लेकिन देखभाल, भवन की साफ सफाई, मरम्मत, कहीं कोई बात होती है, टूट फूट होती है, किन्हीं कारणों से, भौतिक चीज है, कोई भी चीज टूट फूट हो सकती है, लेकिन उसकी तत्काल मरम्मत की व्यवस्था होना, हमें स्वयं भी सामर्थ्य विकसित करनी चाहिए कि अगर कोई ऐसी चीज है तो हम उसकी थोड़ा बहुत हम भी सहयोग कर सकते हैं। भवन सरकार बना देती है, व्यवस्था भी दे देती है, जमीन में तो पेड़ नहीं उगते लेकिन भवन के ऊपर बड़े बड़े पेड़ उगे रहते हैं, बड़े बड़े पेड़ उगे रहते हैं, कहीं पीपल है, कहीं बरगद भी उग जाता है, और फिर वह भवन जर्जर हो जाता है, फिर एक समय के बाद 15 साल 20 साल के बाद वह विभाग फिर से आवेदन कर देता, साहब हमारा भवन जर्जर हो चुका है, खंडर हो चुका है। मैं कहता हूं यार देखो, तुम लोगों ने जब शुरुआत की होगी तब खंडर नहीं था, तब अच्छा खासा भवन दिया था, और मैं तो ये समझता था कि तुम्हें पहले खंडर होना चाहिए था, इस भवन को नहीं खंडर होना चाहिए था, लेकिन तुम आज भी सरकार पर बोझा बने हुए हो, समाज पे बोझा बने हुए हो और भवन को खंडर कर दे हो। समृद्धि की तरफ वह समाज अग्रसर होगा जो स्वावलंबी होगा, आत्मनिर्भर होगा। अगर भवन में पेड़ जमा है उसको उखाड़ कर फेंक देना हमारा दायित्व तो बनता है, क्योंकि हमने वहां रहना है, हमारी आजीविका वहां से चल रही है, हमारे राष्ट्र की नींव को मजबूती प्रदान करने का दायित्व तो उस संस्था के ऊपर है, वह दायित्व तो उस कार्य को आगे बढ़ा रहा है और उस कार्यक्रम को हमें उसी रूप में आगे बढ़ाना होगा। ये व्यवस्था साथ साथ अनुशासन को हर हाल में मेंटेन करना, अनुशासनहीनता के लिए कहीं कोई जगह नहीं होनी चाहिए, किसी भी स्तर पर, प्रिंसिपल हो, शिक्षक हो, शिक्षणोत्तर कर्मचारी हो, छात्रों का हो, छात्राओं का हो, इस स्वतः स्फूर्त भाव के साथ संस्थाएं चलती हुई दिखाई देनी चाहिए। इस प्रकार का एक स्थिति वहां पैदा करने की आवश्यकता है। अगर आप करेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे, लोगों के सामने को उदाहरण प्रस्तुत कर पाएंगे। जो सरकार ने क्वालिटी तय की है मेस की, वह सुविधा वहां मिले। जो सरकार ने एक व्यवस्था बनाई है पठन पाठन की, वह वहां लागू हो। वर्ष भर का शैक्षिक कैलेंडर सत्र प्रारंभ होने के पहले ही जारी हो जाना चाहिए। वर्ष भर में कहां कहां कब कब क्या कार्यक्रम होने हैं, और फिर यह भी तय होना चाहिए कि समय समय पर अटल आवासीय विद्यालयों की आपसी प्रतियोगिताओं को, कभी डिबेट की प्रतियोगिता हो सकती है, कभी खेलकूद की प्रतियोगिता हो सकती है, कभी निबंध लेखन की प्रतियोगिता हो सकती है, कभी जनरल नॉलेज से संबंधित प्रतियोगिताओं का आयोजन आपस में करना चाहिए। अलग अलग प्रकार की चीजों की गतिविधियों का केंद्र भी इसके साथ बनता हुआ दिखाई देता है, देना चाहिए। ये सब चीजें जब एक साथ चलेंगी तो आप कुछ नयापन दे पाएंगे। देश और समाज के अंदर घटित होने वाली घटनाओं की जानकारी रखना, देश के अंदर क्या हो रहा है, समाज के अंदर क्या कुछ घटित हो रहा है, शासन की योजनाएं किस रूप में क्रियान्वित हो रही हैं, इन सब की भी जानकारी रखना। लाइब्रेरी के प्रति बच्चों को आग्रही बनाना, उसको व्यवहारिक बनाने का प्रयास होना,
ये सभी चीजें अगर आपके साथ आप एक साथ लेकर के चलेंगे, इसके बहुत बेहतर परिणाम आएंगे। और इसलिए ये सभी दायित्व शिक्षकों का हो, नियमित मॉर्निंग असेंबली हो, प्रार्थना सभा में सब बच्चे आए, एक साथ खड़े हो, वहां पर भारत की परंपरा के बारे में बताइए, आवासीय कैंपस होगा तो आवासीय कैंपस में यह भी व्यवस्था आपको देनी चाहिए कि पर्व और त्योहार के पहले या राष्ट्रीय कार्यक्रम, कोई भी राष्ट्रीय पर्व आता है या सामान्य कोई भी हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन, उससे पहले प्रधानाचार्य या कोई एक शिक्षक 5 से 10 मिनट का अपना एक भाषण तैयार करके व्यावहारिक चीजें बच्चों को बताएं। 15 अगस्त के दिन आयोजन क्यों होता है अगर आप बच्चों को बताएंगे नहीं, उसको पता नहीं होगा। एक दिन पहले बताइए और अगले दिन के कार्यक्रम में सबको सहभागी बनाइए। कार्यक्रम अचानक नहीं होगा, रिहर्सल होना चाहिए। रिहर्सल सामान्य क्लास के उपरांत 1 घंटे का समय निकाल करके एक टीम सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए, एक भाषण प्रतियोगिता के लिए, एक पेंटिंग की प्रतियोगिता के लिए, एक निबंध लेखन के लिए, एक खेलकूद की प्रतियोगिता के लिए, अलग 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 एक्टिविटीज के लिए अलग अलग टीम को प्रशिक्षण की कार्रवाई के साथ जोड़ना और फिर उसको नियमित अभ्यास का हिस्सा बनाना। आप देखेंगे आपका विद्यालय तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। और इसको साप्ताहिक कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहिए, नियमित रूप से बनाया जाना चाहिए। दीपावली आई, दीपावली के अवसर पर विद्यालय में सामान्य पठन पाठन बंद होगा, लेकिन दीपावली की पूर्व संध्या पर एक दिन बच्चों को मॉर्निंग असेंबली में ही प्रिंसिपल के माध्यम से या किसी योग्य शिक्षक के माध्यम से वहां से दीपावली के महत्व के बारे में लोगों बच्चों को बताया जाए। दीपावली क्यों है? पर्व का मतलब एकांकीपन थोड़े है, पर्व का मतलब सामूहिकता का दर्शन है। दीपावली का मतलब हम सब मिलकर के अपनी खुशियों को एक साथ वहां पर बांटें, एक साथ मिलकर के उस आयोजन के साथ शामिल हों। अटल आवासीय विद्यालय जैसा दूसरा अवसर कहां इसमें मिल सकता है, और उन कार्यक्रमों को इसके साथ जोड़ना। होली क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे की मंशा क्या है? एक उसका आध्यात्मिक और धार्मिक पक्ष होगा, लेकिन दूसरा उसका प्रेरणादायी पक्ष क्या है? प्रेरणादायी पक्ष भी तो होगा इसमें, उसके बारे में भी वहां अवगत कराना, बच्चों को बताना, सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना। दुष्प्रवृत्ति और दुराचारी कितना भी महान क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी वह व्यक्ति महानता बनने का ढोंग क्यों ना कर रहा हो, लेकिन वह कभी सफल नहीं होता जीवन में, अंततः उसको विफल होना ही पड़ता है। हर पर्व और त्योहार इस प्रकार की प्रेरणा देते हैं। 26 जनवरी आएगी, क्या महत्व है इसका? गणतंत्र दिवस का महत्व क्या है? अगर हम एक दिन पहले बच्चों को इसके बारे में बता करके फिर मुख्य आयोजन में इसमें बच्चों से ही भाषण करवाएं, रिहर्सल करवाएं, उस दिन उनका संभाषण हो, अभिभावकों को भी आमंत्रित करिए, समाज से जुड़े हुए संभ्रांत नागरिकों को भी इसके साथ जोड़िए, आप देखेंगे एक नयापन आपके कार्यक्रम के बारे में, आपके बारे में समाज की धारणा बदलेगी। और ये पहले चरण में हम 18 स्थानों पर विद्यालय का शुभारंभ इस सत्र में करने जा रहे हैं। अगले चरण में इसका विस्तार भी होगा। बेसिक शिक्षा परिषद भी जो बचे हुए 57 जनपद हैं, इन जनपदों में इसी तर्ज पर एक एक विद्यालय खोलने जा रहा है, और उन विद्यालयों में सामान्य बच्चों को भी हम प्रवेश करके एक इंटीग्रेटेड केंद्र बनाएंगे। 6 से 12वीं तक के एक कैंपस को उसके साथ जोड़ने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, एक नए तरीके से लोगों की सोच को आगे बढ़ाना। और उस नई सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए यह महती जिम्मेदारी इस टीम के ऊपर होगी जो टीम आज यहां पर बैठी है अटल आवासीय विद्यालय की दिश से। आपका प्रशिक्षण अच्छे ढंग से हो, शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया रही हो पूरी पारदर्शी तरीके से,
इस चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया, जो अच्छा हो सकता था वो करने का प्रयास हुआ, लेकिन इसमें और भी अच्छा हो सकता है। छात्र छात्राओं के सिलेक्शन की प्रक्रिया अच्छे ढंग से आगे बढ़ाई गई, इसको और भी अच्छा करने का प्रयास होना चाहिए, जिससे हम लोग इस प्रक्रिया में ईमानदारी के साथ साथ इसको प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सके और जिस मंशा से प्रधानमंत्री मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप राज्य सरकार अटल आवासीय विद्यालयों का संचालन कर रही है, उस मंशा के अनुरूप हम परिणाम दे पाएंगे। इस विश्वास के साथ अटल आवासीय विद्यालय के इस गुरुवार्ता कार्यक्रम के अवसर पर मैं इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि शिक्षक जब यहां पे अपनी पूरी ट्रेनिंग के कार्यक्रम को संपन्न करके अपने अपने विद्यालयों में जाएंगे, विद्यालयों में जाकर के छात्रों की उपस्थिति को सुनिश्चित करना, पाठ्यक्रम विद्यालय की व्यवस्था को सही करना, कहां पे क्या कमी हो गई है, यह इस समय आपके पास होगा, ये बरसात का समय है और आपका दायित्व बनेगा, आपका विद्यालय का जो परिसर है, जो उस वहां का प्रवेश है, यह आध्यात्मिक वातावरण से परिपूर्ण हो, इसके लिए अलग अलग वैरायटी के वृक्षों का चयन करना। आप ये भी कर सकते हैं, किसी रूट पे पुष्पदार जो पौधे होंगे, जो अलग अलग सीजन में पुष्प देते हैं, अलग अलग रंग बिरंगी पुष्प देते हैं, उनकी खुशबू से आपका कैंपस चमकेगा, आप देखेंगे एक आध्यात्मिक वातावरण स्वतः स्फूर्त भाव के साथ होता हुआ दिखाई देगा। कुछ वाटिकाएं खाली जगह होंगी, वहां फलदार वृक्ष दे सकते हैं, कहीं आंवला, कहीं अमरूद की वाटिका, कहीं आम्र वाटिका दे सकते हैं, कहीं जामुन की वाटिका बना सकते हैं, एक ही प्रकार के वृक्ष अलग अलग जगहों पर, कहीं सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष भी लगा सकते हैं अलग अलग स्थानों पर, खाली जगह पर्याप्त है, 12 से 15 एकड़ का पर्याप्त कैंपस है बना हुआ। मुझे लगता है कि 12 से 15 एकड़ इंटर कॉलेज आज के दिन पे दुर्लभ है, 6 से 8 के किसी भी विद्यालय में इस प्रकार का कैंपस मिलना और इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना दुर्लभ है। उस दुर्लभ से दुर्लभतम अभियान के साथ आपको भी जुड़ना है, कुछ नयापन देखना चाहिए, स्वच्छता, प्लास्टिक फ्री आपका कैंपस हो, धूम्रपान से मुक्त हो, किसी प्रकार के नशा से मुक्त हो, पान गुटखा खैनी अगर कोई शिक्षक कोई कर्मचारी पहले से खाता है, अपने इस बुरी संगत विकृति को कैंपस के बाहर ही तिलांजलि देकर के फिर हम कैंपस में प्रणाम करते हुए आगे बढ़े और कैंपस के अंदर इस प्रकार की किसी भी गलत चीज को नहीं आने देना है, जो किसी प्रकार के नशा को, किसी प्रकार के धूम्रपान को, किसी भी प्रकार की खैनी या इस प्रकार की विकृति को बढ़ावा। खैनी खा करके कैंसर इंतजार कर रहा है, क्या विकृत चेहरा होता है उन लोगों का, पूरा सड़ चुका होता है, यह बताने की आवश्यकता है। कैंपस में अच्छा सा वातावरण तैयार करना, गुरुकुल जैसी परंपरा की शुरुआत है, भारत की प्राचीन गुरुकुल की परंपरा जिसने भारत को शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं समृद्धि के क्षेत्र में भी विश्व गुरु बनाया था और उसकी आधारशिला रखने का कार्य ये अटल आवासीय विद्यालय करने जा रहे हैं। इसके पीछे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है, सरदेव अटल जी का नाम है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का संकल्प है। इन सबको अगर हम आगे बढ़ा पाएंगे तो आने वाले वर्तमान और भावी पीढ़ी का बहुत बड़ा कल्याण हो पाएगा और शिक्षा के क्षेत्र में एक नया मॉडल प्रदेश सरकार श्रम विभाग के माध्यम से देने में सफल होगा। इस पूरे अभियान के प्रति, इस पूरी टीम के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं और विश्वास व्यक्त करूंगा, ये सभी अटल आवासीय विद्यालयों में मैं स्वयं भी भ्रमण करने जा रहा हूं, सब जगह आऊंगा मैं, सभी 18 के 18 कैंपस में
हमारा प्रयास होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इनका उद्घाटन करें, उनकी जो भी व्यस्तता में से समय जब भी निकलेगा उसकी तैयारी भी हमारी होगी। इस दौरान अपने कैंपस को बेहतरीन बनाने की तैयारी होनी चाहिए, अच्छा साफ सुथरा, प्लास्टिक फ्री, कोई प्लास्टिक नहीं वहां उपयोग करेगा, कोई गंदगी सड़क पे नहीं दिखाई देगी, छात्रावास में कहीं गंदगी नहीं, बाथरूम साफ सुथरे होने चाहिए, किचन साफ सुथरे होने चाहिए, बेतरतीब कपड़े जहां तहां टंगे नहीं होने चाहिए। इस प्रकार की एक व्यवस्था का कार्य हम वहां पर देने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस गुरुवार्ता संगम के अवसर पर सभी शिक्षकों के प्रति, सभी नव प्रवेशित छात्रों के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप भारत की शिक्षा की नींव का काम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने में कर पाएंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। वीके न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।